ऑलमोस्ट दोपहर होने वाली है, तो मैं बस कल रात को खाना खाया और सो गया। इनफैक्ट खाना भी मैंने ऑर्डर किया ऑनलाइन ग्रैब ऐप पर। ये ग्रैब ऐप बहुत फेमस है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में। यहाँ से आप टैक्सीज, बाइक्स, मोटर बाइक्स भी रेंटल पे ले सकते हो। ये बहुत सस्ता तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट स्कैम से आप बच जाते हो। तो चलिए लाइट वाइट चालू करते हैं और फिर बाली के बारे में बात करना चालू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेरी ट्रिप कैसी रही अभी तक की और मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स गई। ये रात का मंगाया हुआ खाना, तो मेरा रूम आपको वैसा दिख रहा होगा जैसा मैं हमेशा अपना रूम रखता हूँ। साफ सुथरा फैंसी रूम तो नहीं दिखा सकता। ये सुबह नाश्ता आया था पर मैं बहुत नींद में था, तो वैसा का वैसा रखा हुआ है। अब मुझे पता नहीं कि इसमें से कुछ भी खाने योग्य है कि नहीं। ये बालकनी है, ठीक ठाक हरियाली है, थोड़े खेत जैसे ज़्यादा है यहाँ पर। कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं। मेरा ये जो हील है यहाँ पर बहुत पेन रहता है मुझे, इसको मेडिकली प्लांटर फेशियाइटिस बोलते हैं। मैं आइस पैक भी लाया हूँ जिसको मैंने कल फ्रिज में रख दिया था। तो जब तक पैर बर्फ़ सेक रहा है मैं आपको अब तक का सफ़र बताता हूँ। मैंने जो फ़्लाइट चूज़ करी वो थी वियटजेट एयर की। ये कनेक्शन था दिल्ली से होचीमिन सिटी और होचीमिन सिटी से बाली डेनपासार। बाली जो है वो एक प्रोविंस है, एक तरह से एक स्टेट मान सकते हो। इंडोनेशिया में एक सेपरेट आइलैंड ही है जो जावा आइलैंड से जस्ट एकदम बगल में ही। और बाली की जो कैपिटल है वो डेनपासार है, जहाँ पर मैं अभी हूँ। ध्यान रहे कि थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया ये 1.5 घंटे ही आगे हैं, जबकि मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया जो है वो 2.5 घंटे आगे हैं। तो जैसे जब हम घुसे एयरपोर्ट में से, तो माइग्रेशन काउंटर्स पे पहुँचे, तो सबसे पहले एक QR कोड स्कैन करके आपको वीज़ा ऑन अराइवल का फॉर्म फिल करना पड़ता है। जैसे आप फॉर्म फिल करते हो तो एक बैंक पे पेमेंट की लाइन लगी होती है, आपको वहाँ पे खड़े होना। जो पेमेंट था वो था $32, $32, मतलब ये हो गया करीब 2,500 रुपये। उस लाइन में मैं करीब 1 घंटे खड़ा रहूँगा, मतलब काफ़ी लंबी लाइन थी। कम से कम 10 काउंटर्स होंगे लेकिन उन सब पे ही बराबर लंबी लाइन थी। या ये कह लो कि जिस लाइन में अपन सोचते हैं कि यार ये लाइन छोटी है, वही साली सबसे बड़ी निकलती है, बाकी सब लाइनें जल्दी जल्दी आगे चलती रहती हैं। अगर आपके पास यहाँ पर यहाँ की लोकल इंडोनेशियन रुपया आप लेकर नहीं आए हो, जो यहाँ की करेंसी है रुपया, RUPIAH इंडोनेशियन रुपया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IDR भी बोलते हैं, तो लाने की ज़रूरत भी नहीं है, आप अमेरिकन डॉलर्स ला सकते। तो जब आप यहाँ US डॉलर पे करोगे पहली बार, तो मैंने $100 उनको पे किए, तो पूछते हैं कि आप बदले में इंडोनेशियन रुपया चाहते हो या अमेरिकन डॉलर्स ही चाहते हो। तो ऑफ कोर्स आपको कहना है मुझे इंडोनेशियन रुपया चाहिए। तो $100 मैंने दिए, $32 उसने काट के जो भी बचा वो था, मतलब $68 का जो भी इंडोनेशियन रुपया में कन्वर्जन हो रहा था उसने मुझे वापस दे दिया। फ़ायदा ये होता है कि इस चीज़ पे वो कोई कमीशन नहीं लेते हैं। प्रॉब्लम इंडोनेशियन रुपया के साथ ये है कि ये बहुत ज़्यादा जीरोज रहते हैं उसमें, मतलब आप शुरू में एकदम से घबरा जाओगे। लाइक आपको किसी को 10,000 रुपया टिप देनी पड़े, या आपको एक छोटा सा नाश्ता करने के लिए 1,00,000 रुपया खर्च करना पड़े, तो आपको कैसा लगेगा ना, मतलब आप घबरा जाओगे। बट 10,000 रुपया मतलब होता है करीब करीब 50-55 रुपये, और 1,00,000 रुपया मतलब होता है करीब करीब 500-550-600 रुपये। जैसे आप पेमेंट करोगे ना, तो आपके ईमेल पर आपका ई वीज़ा आ जाएगा, तो आपको वो ई वीज़ा और अपना पासपोर्ट दिखाना है माइग्रेशन ऑफिसर को, तो वो एक स्लिप चिपका देगा आपके पासपोर्ट के किसी अंदर के पन्ने पे, जस्ट टू टेल एवरीवन कि हाँ अब आपको एक्सेस मिल गई है यहाँ पर। काफ़ी बर्फ से सिकाई हो गई। 2-3 चीज़ों का ख्याल रखिएगा, जहाँ तक मुझे अभी तक पता चला है जो सबसे अच्छी यहाँ पे सेलुलर सर्विस है, सबसे अच्छा कवरेज है, वो टेलीकॉम सेल करके एक कंपनी है उसका है। 25 GB डेटा जो है वो करीब 1,500 रुपये में मिला, INR में बता रहा हूँ। मुझे पता है ये काफ़ी महंगा है। कुछ कंपनीज जो हैं केवल बाली में ही अपनी सर्विसेज देती हैं, पर अगर आप इंडोनेशिया के दूसरे आइलैंड्स पर भी जाने वाले हो तो आपकी वो सर्विसेज बंद हो जाएंगी, वहाँ कोई सिग्नल नहीं आएगा, बहुत परेशान हो जाओगे, या फिर आपको दूसरी सिम लेनी पड़ेगी। टेलीकॉम सेल जो है पूरे इंडोनेशिया में चलती है। सिटी में अंदर आकर आपको ज़्यादा सस्ते प्लान्स मिल जाते हैं। यहाँ पे सब लोग अपने आप को ऑथेंटिक, रजिस्टर्ड, ऑफिशियल ऐसे वर्ड लगाकर बोलते हैं कि हम ऑफिशियल टैक्सी सर्विस हैं, हम ये हैं वो हैं, ऐसे मत जाना। ये लोग एक प्राइस पे मान जाते हैं, लेकिन जब आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे तो जैसे ही टैक्सी बंद करेंगे और पैसे की डिमांड करने लगेंगे। यहाँ पे जो एक बहुत डिपेंडेबल सर्विस है वो है ब्लू बर्ड टैक्सी सर्विस। प्रॉब्लम ये है,
अराइवल्स पे ब्लूबर्ड बैंड है, मतलब जो टैक्सी ड्राइवर्स का यहाँ का जो भी यूनियन होगा उन्होंने बैन कर रखा होगा, उसको मार पीट के भगा देते हैं कोई भी ब्लूबर्ड वाला आता है तो। लेकिन डिपार्चर्स पे ब्लूबर्ड मिल जाती है क्योंकि लोगों को छोड़ने आती है ब्लूबर्ड की टैक्सी। तो आपको करना क्या है, आप अराइवल्स के एरिया को ही छोड़ दो, एक एलिवेटर लिफ्ट है, लिफ्ट में घुसो, लिफ्ट से 2 फ्लोर ऊपर जाओ और डिपार्चर्स पे पहुंच जाओ, उल्टा बाहर मेन रोड की तरफ जाओ। मतलब डिपार्चर्स पे तो लोग आ रहे होते ना मेन रोड से एयरपोर्ट की तरफ, पर मैं जो है अपने अटिचिया लेकर बाहर की तरफ जा रहा था अकेला, अजीब सा लग रहा था बहुत, लोग थोड़ा घूर घूर के भी देख रहे थे कि ये आदमी डिपार्चर्स पे सामान लेकर बाहर क्यों आ रहा है, लगता है ये अपना रास्ता खो गया है। एक ब्लूबर्ड टैक्सी दिखी, मैंने उसको दूर से इशारा किया तो वो आ गया, रुक गया। अच्छी कंफर्टेबल कैब थी, आने में समय काफ़ी लगा, 14 किलोमीटर में करीब 1 घंटा लग गया मुझे क्योंकि भयंकर ही ट्रैफिक है यहाँ पर। यहाँ की मेन रोड्स जो है ना वो भी इतनी सकरी सकरी है, जो मुझे एयरपोर्ट पे 4 लाख रुपया और दूसरी जगह 3 लाख रुपया बताया था वो इधर काम 1,32,000 रुपया में हो गया। इमेजिन, मतलब आधे से भी कम में हो गया। मैंने 8,000 रुपया उसको टिप दे दी खुशी खुशी। ये देखो ये जो वाटर बॉयलर है, केटल है, इसमें पहले से पानी है। हाइजीन एशिया, यू नीड टू लर्न अबाउट हाइजीन। इसी में थोड़ा सा इसको खाली रख के गर्म कर रहा हूँ जिससे कुछ स्टरलाइज हो जाए। तो अगर आप कॉफी का बोल रहे हो और आपको मिल्क चाहिए साथ में, तो आपको अलग से बोलना पड़ेगा मुझे मिल्क चाहिए। टिपिकल इंडोनेशियन ब्लैक कॉफी, बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गई, उतनी भयावह टेस्ट में नहीं है जितनी भयावह दिखने में है। इट्स गुड, स्ट्रॉन्ग बट इट्स गुड। दोपहर के 2:30 बज गए और मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है। रूम की कुछ इनहेरेंट प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आपको ये कचरा दिख रहा है ना, ये पता है कहाँ से आया इतना सारा कचरा। कल मैं बाथ टब में नहाने के लिए, वो जैसे ही बाथ टब में उतरा तो जैसे ही मैं इसके अंदर कूदा तो इसका पानी यहाँ से यहाँ नीचे गिरा और ये जो दरवाजा है उस गैप से पूरा पानी कचरे के साथ यहाँ प्रक्षेपित हो गया। रात भर ये वुडन फ्लोर बहुत सारा गीला रहा। ऐसे ही आपका स्वागत उस सामने के शावर में होता है। ये शावर सामने की तरफ है, आप जैसे ही ऑन करोगे ढेर सारा ठंडा पानी आपके पेट पे आएगा और आपकी आत्मा कांप जाएगी। तो चलिए लेट्स बिगिन। बहुत सारी चिड़ियाओं की आवाज़ें तो आपको आएंगी और साथ में बीच बीच में गेको की भी आवाज़ आती है। गेको जो है वो एक छिपकली जैसा दिखने वाला जीव है, छिपकली नहीं है। सब एक पास की रिश्तेदार है हमारी, जो रूटीन होम लिजर्ड होती है उसके जैसी ही दिखती है पर आवाज़ उसकी काफ़ी अलग है। हार्मलेस सी चीज़ है, देखकर आपको थोड़ा डर लगेगा, थोड़ा डिस्गस्टिंग लगेगा क्योंकि छिपकलियों को यूजुअली देखकर थोड़ा डिस्गस्टिंग लगता ही है। बाली आइलैंड अगर देखा जाए तो विड्थ में 153 किलोमीटर और मतलब वेस्ट टू ईस्ट में 153 किलोमीटर, नॉर्थ टू साउथ में 112 किलोमीटर है। ये लेसर सुंडा आइलैंड्स की कैटेगरी में आता है। नाउ अब सुंडा आइलैंड्स क्या होते हैं? सुंडा आइलैंड्स ये बहुत सारे पैसिफिक ओशन में आइलैंड्स हैं जो वॉल्केनिक रिंग बनाते हैं। इन सारे आइलैंड्स पे वॉल्केनोज आपको बहुत मिलेंगे, अर्थक्वेक्स आपको बहुत मिलेंगे। आप सुनते रहते होंगे इंडोनेशिया में बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया, वॉल्केनो फट गया, इतने लोग मर गए। सुनामी भी जो है वो क्या थी, वो समंदर के नीचे एक अर्थक्वेक था जो सुमात्रा आइलैंड है उसकी आई थिंक वेस्टर्न टिप के पास से कहीं से चालू हुआ था। तो ये जगह उन चीज़ों के लिए बहुत बदनाम है। ये मेरी होटल का रिसेप्शन है, छोटा सा रिसेप्शन है, कोई है भी नहीं यहाँ पर बैठा हुआ। पेड़ इतना झुका हुआ एकदम गिरने को तैयार स्विमिंग पूल के अंदर। अब मुझे करनी है एक ग्रैब स्कूटर, क्योंकि अगर मैं खुद से स्कूटर चलाऊंगा तो मैं शूट नहीं कर पाऊंगा, वीडियो शूटिंग नहीं हो पाएगी, तो फिर मतलब ही क्या है ना। ग्रैब अगम्य। थैंक यू। हेलमेट नाउ? या व्हाटएवर, इज इट कंपलसरी? एक फीमेल बाइक राइडर को देखकर मैं नर्वस हो गया। ओके और मूर्छापूर्ण सवाल करने लगा। सॉरी, आई एम नो इंग्लिश। ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। आपका खबर? और फिर तरीमा कासी।